सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे स्पेशली गाइस इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके, जिससे कि गाइस आप लोग यहां पे मेरे फोटो को देख ही सकते हो। गाइस इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ कैसे करेंगे एंड फेस को व्हाइट कैसे करेंगे एंड अपने हेयर पे आप लोग अच्छे तरीके से ऑयल पेंट को कैसे करेंगे एंड अपने बैकग्राउंड को आप लोग अच्छे तरीके से एडिट गाइस कैसे करेंगे। और जिस यहाँ पे आप लोग ओरिजिनल फोटो को देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इसकी फेस पे कितना सारा पिंपल और दाना है और बहुत ही बड़ा पिंपल है, ठीक है। लेकिन गाइस आप लोग सब चीज़ देखिए कि बैकग्राउंड एंड हेयर एंड फेस, लेकिन यहीं पे आप लोग एडिट फोटो को देखिए कि आप लोग अच्छे से देखिए कि फेस एंड बैकग्राउंड एंड गाइस हेयर। तो अगर आपको भी सीखना है सबसे आसान तरीके में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे एंड गाइस देख लेंगे, तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में इस टाइप की फोटो को एडिट करके सिखा दूंगा। तो सिंपली गाइस आपको करने का होगा, सिंपली गाइस आपको यहां से आना है ओरिजिनल फोटो पे और गाइस आपको करने का है इस वाले फोटोज को गाइस आप लोगों को आराम से ओपन करना है सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन गाइस आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है एडिटिंग, ठीक है। तो आपको गाइस क्या करना होगा, जैसे कि आपका फोटो ओपन होगा तो आपको यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन भेज देगा, तो इस नोटिफिकेशन में आपको इस तरीके से क्लिक करना है और इसमें आप लोगों के लिए एक प्रीसेट बना हो जिसका इस लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको अपने फोटो पे आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रीसेट पे आप लोग इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू प्रीसेट है आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए बनाया इसलिए हूँ क्योंकि आपको एडिटिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और गाइस आपको यहाँ पे नीचे कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और गाइस इसको एंड इसको करके और क्रॉप को छोड़ना है एंड इस फोटो को डन करना है एंड गाइस आपको बैक पे क्लिक करके और अपने ओरिजिनल फोटो पे इस तरीके से गाइस आपको आना है, ठीक है। और बस गाइस आपको कहने का होगा ऊपर आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और बस गाइस आपको यहाँ पे करना है फिल्टर सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर सेटिंग जैसे आप लोग करेंगे तो वन क्लिक के अंदर आपका फोटो इस स्टेप से बन जाएगा, लेकिन हमारा फेस जो है ना गाइस अभी मेरा फेस अच्छे तरीके से नहीं एडिट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नीचे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और कलर पर क्लिक करके एंड गाइस मिक्स टूल पर क्लिक करेंगे, हम लोग इस वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे और थोड़ा सा इसके सिचुएशन को हम लोग माइनस करेंगे, इसको देख लेंगे हम लोग अच्छे से माइनस करके। तो इसको गाइस हम लोग थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, मतलब कि मान के लिए मैं इसको मैं कर लेता हूँ 79 माइनस, ठीक है। तो देख लीजिए V4 गाइस और आफ्टर, ठीक है। तो बस आपको इतना काम करना है एंड गाइस इस वाले फोटो को आपको ना सेव कर लेना है। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मेरा फोटो सेव हो चुका है एंड इस फोटो को इस तरीके से ओके करेंगे और थोड़ा सा मोबाइल टच को इस तरीके से ऑन करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे से आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको यहाँ से अपने फोटो को सिंपली गाइस शेयर करना है, सॉरी गाइस यहाँ से फोटो को आपको ओपन करना है फोटो ऐप के अंदर, जो गाइस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से सिंपली हम लोग ओपन करेंगे फोटो रूम ऐप के अंदर अपने फोटो को, ठीक है। तो आराम से क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर हम लोग ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन जो गाइस मतलब कि है ये नेट से काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपका फोटो का रिजल्ट काफ़ी आसान तरीके में बहुत ही जल्द निकल के आ जाएगा। तो गाइस देख ही सकते हैं कि मेरा फोटो का रिजल्ट निकल ही चुका है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे आपको करना है। सिंपली गाइस आपको व्हाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से और नीचे आपको मिलेगा एक बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लेना है, इमेज पे क्लिक करना है और गाइस आपको गैलरी पे क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ना एक बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ जिसका मैं लिंक आपको गाइस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो गाइस मैं सिंपली बैकग्राउंड को एक ले लूँगा, इस पर क्लिक करेंगे और एक बैकग्राउंड को सिंपली गाइस ऐड करेंगे। सॉरी गाइस देख लेंगे बैकग्राउंड कहाँ पे है, तो आसान तरीके में बैकग्राउंड को खोजेंगे, ज़्यादा घबराएंगे नहीं, तो ये वाला बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और अगर इसको आप लोग ब्लर करना चाहेंगे तो इसके लिए गाइस आपको ब्लर को इस तरीके से प्लस करना है, ठीक है। और गाइस आपको सबसे लास्ट वाले ब्लर को सिलेक्ट करना है, इस वाले ब्लर को, ठीक है। एंड गाइस इसको सिलेक्ट करने के बाद जितना भी ज़्यादा आप लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहेंगे उतना आप लोग ब्लर कर लीजिएगा एंड फोटो को इस तरीके से डन कर लीजिएगा। अब आपको मोबाइल डाटा को इस तरीके से ऑफ करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, अब गाइस आप लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है, एडिटिंग। और गाइस आपको क्या कहना होगा, यहाँ से अपने फोटो को गाइस आप लोगों को ओपन करना है यहाँ से पिकैड ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन गाइस आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको दो काम करना है, ठीक है। यहाँ पर अलाउ करना है, ज़्यादा छेड़ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे एक वाटरमार्क आपको मिलेगा, तो इसको आपको हटाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली ऐड फोटो पे आपको क्लिक कर लेना होगा और जिस भी फोटो को आप लोग ना मतलब कि यहाँ पे सेव किए होंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर से, उस वाले फोटो को आपको ऐड करना है और गाइस इस तरीके से इसको बड़ा करना है इस तरीके से और ऊपर आपको इरेजर पर क्लिक करके इसको यूनिफाइड करना है और बस गाइस आपको इस तरीके से इस पर मतलब कि अप्लाई करना है, तो हट जाएगा 110% गाइस, ठीक है। और फोटो को डन करना है, एक PNG को ऐड करना है जिसका मैं लिंक आपको गाइस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बैकग्राउंड PNG का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पर इस वाले PNG को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और गाइस इस पर
क्या करेंगे, ब्लेंड एंड इसको गई सब लोग कर लेंगे यहाँ से लाइटन, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे डार्कन कर लेते हैं, ठीक है। तो डार्कन करके इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे और फोटो को डन कर लेंगे। तो देखिए कि पूरा क्लियर ही फोटो एडिटिंग सेम टू सेम हो, मतलब कि हो रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अब आपको फेस को स्मूथ करना है, इसके लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके थ्री डॉट पे आइएगा, फोटो को सेव कर लीजिएगा इमेज को, ठीक है। मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और इस आपको यहाँ से ओपन करना है सिंपली आपको इस टू कैप के अंदर इस वाले फोटो को। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बस वीडियो को देखना है एंड सब कुछ आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, आपको क्लिक करना है ऊपर इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। एंड गाइस आपको इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ना यहाँ पे क्लिक करके और फिर से अपने फोटो को इंपोर्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपने फेस को अच्छे से स्मूथ करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आप लोग वन क्लिक के अंदर कर सकते हैं। तो बस आपको करने का ऊपर आपको ब्रश पे गाइस क्लिक करना है इस तरीके से, एंड गाइस आपको नीचे आपको इस वाले ब्रश को एक बार नस सेलेक्ट करना है, या आपको यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ मिलेगा और इसके सेटिंग ऊपर मिलेगा तो क्लिक कर लीजिएगा। फॉलो को 5%, स्ट्रेन को भी 5% करके और अपने साइज को अपने हिसाब से गाइस करके एंड गाइस कट कर लेना है। और अब इसके बाद आपको इस तरीके से फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना है, तो आपका जो भी गाइस फेस होगा वो काफ़ी शानदार तरीके में स्मूथ होने का काम जारी हो जाएगा। और आप लोग बोलते हैं ना कि सुबह से फेस को स्मूथ करना काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मुश्किल लगता है और हम लोग नहीं कर पाते गाइस। तो अगर आपको कोई अच्छे तरीके से एडिटिंग नहीं सिखा पाएगा गाइस तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आसान तरीके में मैं अपने फेस को गाइस स्मूथ कराऊँ। तो बस कुछ भी नहीं होता, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप लोग अपने फोटो को सेम टू सेम मेरे जैसे एडिटिंग कर सकते हैं जैसे कि मैं अपने फोटो को एडिट करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। सो गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आपका भाई कितना अच्छे तरीके से फेस को कर लिया है स्मूथ और गाइस हुआ है गाइस। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद अपने लिप्स को करना है गाइस रेड। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर एंड गाइस ऊपर आपको प्लस पे इस तरीके से क्लिक करके और यहाँ पे आपको एक न्यूलर को क्रिएट करना है, इस पर आपको क्लिक करके एंड गाइस आपको नोलर पे आना होगा और इसको सॉफ्ट लाइट को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड गाइस कट कीजिएगा इस तरीके से ड्रॉ करके और आपको ब्रश पे क्लिक करके यहाँ पे आइएगा। और गाइस आपको करना क्या होगा, इस वाले ब्रश को आप लोग एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा और गाइस इसका सेटिंग पे क्लिक करना है और आप सिटी को पूरा 100 कर लेना है एंड साइज को अपने हिसाब से करके, मतलब कि इसको मैं 14-13 करके इस तरीके से 13-14 आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको मैं 17 करके और गाइस कट करता हूँ और ऊपर मैं कलर पर क्लिक करूँगा और गाइस यहाँ से जो भी मैं अपने लिप्स का कलर रखना चाहेंगे वो आप लोग सेलेक्ट करके और गाइस कट कीजिएगा। और गाइस इसके बाद आपको करना क्या होगा, इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर आपको कलर्स को अप्लाई करना है। जो भी आप लोग कलर को अप्लाई करेंगे तो आपका फोटो और भी ज़्यादा धांसू लेगा इस दिखने में, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। अच्छे से एडिटिंग को आप लोग सीखिए एंड आप मतलब कि आप लोग भी अच्छे से एडिटिंग सीखिए और जाके कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने लिप्स को गई से रेड कर लेना है इस तरीके से, तो काफ़ी शानदार तरीके में आपका फोटो इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन एक ऑयल पेंट करना रह चुका है बाकी, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे जस्ट से, ठीक है। तो गाइस सिंपली हम लोग झट वन क्लिक में करेंगे इस तरीके से, मतलब कि ट्वेल्विज ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक इफेक्ट वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और ट्वेल्विज एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आपको नीचे सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करके और फोन नंबर को आपको गाइस सेलेक्ट करना है और आपको मार्क्स पे इस तरीके से क्लिक करके और अपने आँख पर से वाइल पेंट को इस तरीके से इरेज करना है एंड थोड़ा सा लिप्स वर से करना है और यहाँ पे जो भी मतलब कि मतलब पीएनजी गाइड के हम इस पर क्लिक कर लीजिएगा और फोटो को डन कर लीजिएगा। तो पूरा काम हो चुका है, आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए और सेम टू सेम आपका भाई फोटो एडिटिंग करके सिखा दिया है। और मैं तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ पाए। मैं फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग इस इतना वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।